நன்றி மகேஸ்வரனுடைய தகவல்களுக்கு. தொடர்ந்து உலக இளைஞர்கள் திறன் தினத்தை ஒட்டி பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசி வருகிறார். அந்த நேரலை காட்சிகளை பார்க்கலாம். मेरा सीधा परिचय तो नहीं था, लेकिन हमारे एक जानने वाले सज्जन बताते रहते थे। वो उनके किसी परिचित के विषय में बताते थे कि वो ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी। समय के साथ उन्होंने अपने हैंडराइटिंग में और भी नए स्टाइल जोड़ दिए, यानी खुद को रिस्किल किया। उनकी ये स्किल देखकर लोग खुद उनके पास पहुंचने लगे। लोग उनसे कहते थे कि हमारे यहाँ स्पेशल ओकेजन है तो इनविटेशन कार्ड पर नाम वगैरह लिखने का काम आप कीजिए। बाद में उन्होंने खुद को रीस्किल किया, अपस्किल किया, उन्होंने कई और लैंग्वेजेस में लिखना शुरू किया और इस तरह से एक प्रकार से वो उनका कारोबार बन गया। बैठे बिठाए लोग उनके पास एक काम लेकर के आने लगे। शौक से पनपा हुआ एक हुनर रोजी रोटी का और सम्मान का भी एक माध्यम बन गया। फ्रेंड्स, स्किल इज समथिंग विच वी गिव टू आवर सेल्व्स, विच ग्रोज विथ एक्सपीरियंस। स्किल इज टाइमलेस, इट कीप्स गेटिंग बेटर विथ टाइम। स्किल इज यूनिक, इट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। Skill is a treasure that nobody can take away. And skill is self-reliance. It is not only make one employable, but also self-employable. Skill ki ye jo taakat jo hai, insaan ko kahan se kahan pahuncha sakti hai. Saathiyo, ek safal vyakti ki ye bahut badi nishani hoti hai ki wo apni skill बढ़ाने का कोई भी मौका जाने न दे। इतना ही नहीं, मौका ढूंढता रहे। स्किल के प्रति अगर आप में आकर्षण नहीं है, कुछ नया सीखने की ललक नहीं है, तो जीवन ठहर जाता है, एक रुकावट से महसूस होती है। एक प्रकार से वो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनालिटी को ही बोझ बना देता है और खुद के लिए नहीं, अपने स्वजनों के लिए भी बोझ बन जाता है। वहीं स्किल के प्रति आकर्षण जीने की ताकत देता है, जीने का उत्साह देता है। स्किल सिर्फ रोजी रोटी और पैसे कमाने का जरिया नहीं है। जिंदगी में उमंग चाहिए, उत्साह चाहिए, जीने की जीत चाहिए, तो स्किल हमारे ड्राइविंग फोर्स बनती है, हमारे लिए नई प्रेरणा लेकर आती है, ऊर्जा का काम करती है। और उम्र कोई भी हो, चाहे युवा अवस्था हो या बुजुर्ग, अगर आप नई नई स्किल सीख रहे हैं तो जीवन के प्रति उत्साह कभी कम नहीं होगा। உலக இளைஞர்கள் திறன் தினத்தை ஒட்டி பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசி வருகிறார். அந்த நேரலை காட்சிகளை தற்போது நாம் பார்த்தோம். தொடர்ந்து செய்திகளை பார்க்கலாம். ஒரு சிறு இடைவேளைக்கு பிறகு